भैया हिंदू मुसलमान एक समर्थन दियो, अच्छो धूम धड़ाक एक मुहूर्त लगेगी भैया, मैं बताओ कम से कम 80 से 90-95%। अच्छा ये पहला वाक्य हुआ ऐसा जब एक मुहूर हिंदू मुसलमान की लगेगी। रईस खान की किस तरह की स्थिति है बिचौर गांव में, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 80% रईस खान को वोट मिलेगा, चाहे कोई झूठ बोले चाहे सच। पूरा हिंदू समाज एक साथ पूरा झाड़ के एक मंच पर। प्रोग्राम कहां पर हुआ है बिचौर गांव में? ये मंदिर पर हुआ है। किन लोगों ने कराया प्रोग्राम? ये हिंदू समाज ने प्रोग्राम करा है, पर लेकिन दोनों ही समाज इसमें मिलजुल के नहीं एक मुहूर्त लगाने का फैसला ले लिया सबने। अब आज बिछोर गांव में आपने एक समर्थन दिया है रईस खान को। भैया हिंदू मुसलमान एक समर्थन दियो, अच्छो धूम धड़ाक एक मुहूर्त लगेगी। कितने लोगों ने समर्थन दिया यहाँ पर? भैया मैं बताओ कम से कम 80 से 90-95%। अच्छा जी हाँ, और हिंदू तो 10% 5% बचा है क्या? 5% है। मेरे बात सुन, हिंदू समाज तो आप बताओ 100 की 100 ही है, वो मुसलमानों ने जो रिश्तेदार कनेक्शन कर रखे इन्होंने कोई 10 है कोई 5। क्या वजह है जो मंत्री जी से नाराज किए? जो विकास कर और कहा भाई 5 साल रहो आज तक भी हम तुम ना जानो पर कहते भी छोड़ पड़े मर। हाँ हम ना जानो नहीं पहुंचा आपके पास पिछले 5 सालों में जीतने के बाद अभी तक नहीं पहुंचे। क्या नाम है जी? बबलू गोयल। बबलू गोयल आज समर्थन दिया है आप लोगों ने? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखो जी हमारे यहाँ 9 से 10 हज़ार वोट हैं हमारी, क्योंकि हमारी 2 पंचायत हैं जी बिछोर में, अब की बार 2 पंचायत बन गई थी, तो दोनों पंचायतों ने मिलकर के भाई रईस खान को हिंदू मुसलमान दोनों ही समाजों ने जो है समर्थन दिया है जी मिलकर के। और हमारा मंदिर में प्रोग्राम है, दोनों ही समुदाय हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और दोनों ने भारी संख्या में समर्थन देकर भाई रईस को जिताने का हम वादा भी करते हैं। सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा यहीं से नहीं जी, बाहर भी हम अपनी सपोर्ट कर रहे हैं पूरी, ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर भी समाज से मिल रहे जो मौजूदा विधायक हैं चौधरी इलियास मोहम्मद जी, उनको कभी हमने तो शायद टीवीओ में ही देखा है या मतलब अखबारों में देखा है या मोबाइल के माध्यम से ही देखा है, उनको तो हमने कभी देखा ही नहीं है कि हमारे नहीं देखा जी। यूं एक दो बिल्कुल भाई जो हमारे वर्तमान जो विधायक हैं उनका मुझे शायद ही कोई काम आप बता दो, आप बता दो उनका काम। चौधरी रईस खान जी जब विधायक रहे थे तो उन्होंने देखो हमारे यहाँ काफ़ी विकास कराए थे, सबसे पहला जो विकास जो उन्होंने किया है हमारे जमींदार भाइयों के लिए, सबसे पहले जो ये रेगुलेटर ये झाल वगैरह ये पंप वगैरह बनाए, सबसे बढ़िया जो काम इन्होंने किया है। उसके बाद में हमारे रास्ते जुड़वाना, स्कूलों का अपग्रेड कराना, और देखो हमारे मंदिर में ये प्रोग्राम जो ये आज यहाँ हुआ है ये रईस खान जी की देन है जो आज बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई है, तो ये तो काफ़ी इन्होंने विकास हमारे लिए किए हैं, ऐसी बात नहीं। और आगे भी इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, भाईचारा ही है इनके अंदर, और हमारे यहाँ दोनों समुदाय मिलजुल कर रहती हैं जी।